हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, सीटेट का ऑफिशियल नोटिस आ गया है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने को है। जैसा कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था सीटेट का, वो एक साल में दो बार होता था, लेकिन अभी जो सीटेट है वो पिछले तीन साल से एक ही बार साल में हो पा रहा है। तो ये आपका 14 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे सीटेट की ये पब्लिक नोटिस एक आ गया है, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि पेपर जो है आपका वो दिसंबर में होने को है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि जो जिनका बीएड फाइनल हो गया है या जिनका बीएड चल रहा है, वो आप लोग जो है बीएड, आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम आपको मिल पा रहा है। भाई आज 15 जुलाई हो गई है और दिसंबर में आपका पेपर होने को है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट जो है लगभग 6 महीने पूरे पूरे आपको मिल पा रहे हैं, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद ही आपकी एग्जाम डेट होगी। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन सीबीटी। देखिए, जो पेपर आपका होगा पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी पिछले साल से ऑनलाइन मोड में होने लगा है। तो सीबीटी यानी कि पेपर जो आपका होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपका लिया जाएगा। दिसंबर 2022, पेपर आपका दिसंबर में होगा। एग्जाम डेट जो है वो विल बी इंटीमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पे उसकी डेट होगी। डेट पहले एक होती थी, लेकिन अभी आपकी अलग अलग डेट में आपका एग्जाम होता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में होना है तो अलग अलग डेट में आपका एग्जाम होगा, है ना। तो जिस प्रकार से पिछली बार हुआ है, द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 20 लैंग्वेजेस थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में 20 भाषाओं में आपका एग्जाम होने को है। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेजेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन फी एग्जामिनेशन सिटीज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जो डिटेल इंफॉर्मेशन है बुलेटिन पे जो है वो डाल दी जाएगी। पहली बात तो सिलेबस का सेम ही रहना है, कुछ खास चेंजेज बदलाव होगा नहीं जहां तक है, और जो है एलिजिबिलिटी भी वही रहनी है, उसमें कोई बदलाव होना नहीं है जहां तक। तो ये सारी जो है बुलेटिन पे जल्दी ही इस पर डाल दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 से 2 दिन में आ जाएगा, और शॉर्टली मतलब जल्दी ही आ जाएगा। एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम द एप मेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके पास बहुत ही सुनहरा गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है कि आप सीटेट की बेहतरीन तैयारी करके एक बार में ही सीटेट को क्रैक कर लें, जिससे कि आपको आगे टाइम मिल जाए, वैकेंसीज आती हैं तो आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएँ और जल्दी ही आपको सरकारी नौकरी मिले। एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल फॉर सीटेट दिसंबर 2022 इज अंडर जनरल और ओबीसी की फीस जो है ओनली पेपर, अगर आप एक पेपर देते हैं, चाहे पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, उसकी फ़ीस आपको 1000 पे करनी होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे दोनों पेपर देना है, फर्स्ट और सेकंड, तो फिर आपको 1200 रुपये देना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको दोनों पेपर देने चाहिए। और एससी एसटी इनके लिए जो है, अगर पेपर एक देना चाहते हैं तो 500 रुपये है, अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, और ये आपका हिंदी में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसकी जो PDF है ये हम उस पर टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो डियर फ्रेंड, देखिए हम बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि जो पिछली बार पेपर हुआ है 2021 में, ठीक है, वो सारे पेपर बहुत ही डिटेल में पढ़ लीजिए उनको, और प्रीवियस ईयर वो सारे मैं सॉल्व भी करा दूंगा। देखिए, सिलेबस आपका लगभग सेम रहना है, उसमें कोई खास बदलाव आएगा नहीं, और प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा, और NCERTs को आप जो है कि अपना मेन फोकस NCERT पर रखिए, वहाँ से आप तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और बीएड जो परसिविंग हैं, जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, वो भी इसमें पार्ट जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, और जिनका बीएड हो गया है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो बाकी और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप एक्टिव रहिए, अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जा सके शेयर कीजिए, और हम लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ बीएड पढ़ रहे थे, है ना, बीएड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब साथ साथ में सीटेट की भी तैयारी करेंगे बेहतरीन और पूरे जज्बे के साथ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।